Now, of course, let us cut across to the statement and the address that the Prime Minister is right now making. Let us take you to the live feed over there. जन सेवा ही प्रभु सेवा की सांस्कृतिक सोच से आगे बढ़ रहा है। हमारी आध्यात्मिक व्यवस्था ने सदियों से इस विचार को पोषित किया है। पुरी जैसे तीर्थ, जगन्नाथ मंदिर जैसे पवित्र स्थान इसके केंद्र रहे हैं। भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद से सदियों से कितने ही गरीबों को भोजन मिलता रहा है। इसी भावना के साथ आज देश प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चला रहा है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहा है। आज किसी गरीब को इलाज की जरूरत होती है तो आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख तक मुफ्त इलाज उसे मिलता है। करोड़ों गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान मिले हैं। घर में उज्ज्वला का गैस सिलेंडर हो या जल जीवन मिशन के तहत पानी की सप्लाई हो, आज गरीब को भी वो सब मौलिक सुविधाएं मिल रही हैं जिनके लिए उसे पहले बरसों इंतजार करना पड़ता था। साथियों, भारत के तेज विकास के लिए भारत के राज्यों का संतुलित विकास भी उतना ही आवश्यक है। आज देश का प्रयास है कि कोई भी राज्य संसाधनों के अभाव के कारण विकास की दौड़ में पिछड़ना नहीं चाहिए। इसलिए 15वें वित्त आयोग में ओडिशा और बंगाल जैसे राज्यों के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा बजट की सिफारिश की गई। ओडिशा जैसे राज्य को तो इतनी विशाल प्राकृतिक संपदा का भी आशीर्वाद मिला हुआ है, लेकिन पहले गलत नीतियों के कारण राज्यों को अपने ही संसाधनों से वंचित रहना पड़ता था। हमने खनिज संपदा को ध्यान में रखते हुए खनन नीति में सुधार किया। Well, that is the Prime Minister making an address as far as the first Vande Bharat that has been flagged off in Orissa. And that is the Prime Minister making a live address as he flags off Vande Bharat in Orissa. Now, Dave,